छह वर्षीय मासूम का खेत में अर्धनग्न अवस्था में मिला शव। दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका, गांव में तनाव। मौके पर एसपी कलेक्टर। शिवपुरी जिले में करेरा थाना क्षेत्र के बड़ोरा गांव से एक दिन पूर्व गायब हुई एक छह वर्षीय मासूम बालिका का शव अर्धनग्न अवस्था में खेत में पड़ा हुआ मिला है। मासूम के मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ है, जिससे आशंका जताई जा रही है कि मासूम के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की गई है। इस घटना की सूचना जैसे ही ग्रामीणों को मिली, एकजुट हुए ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और उन्होंने हंगामा कर दिया, जहां गांव में हंगामा देख कलेक्टर रविंद्र चौधरी और एसएसपी राजेश सिंह चंदेल मौके पर पहुंचे और मामले को शांत कराने में जुट गए हैं। एक दिन पूर्व मंदिर से गायब हुई थी मासूम। जानकारी के अनुसार बड़ोरा गांव से एक छह साल की मासूम अपनी मां के साथ गोड़ बाबा मंदिर पर भागवत में शामिल होने गई थी, लेकिन मासूम वहां से अचानक गायब हो गई। मां घर पहुंची और उसने पति से पूछा कि बेटी कहां है। मां ने सोचा कि वे घर पहुंच गई होगी, लेकिन जब मासूम घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने उसे सब जगह तलाश किया, लेकिन मासूम का कोई सुराग नहीं मिला। परिजनों ने थाने में दर्ज कराई गुमशुदगी। मासूम का कोई सुराग नहीं लगने पर परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस थाना करेरा पहुंच कर दी, जिस पर पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर मासूम की तलाश शुरू कर दी है। शनिवार की सुबह मासूम का शव अर्धनग्न अवस्था में खेत में पड़ा हुआ मिला। आशंका जताई जा रही है कि मासूम के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की गई है। मासूम की मौत से गांव में फैला तनाव। खेत में अर्धनग्न अवस्था में मासूम बच्ची का शव पड़ा हुआ मिलने की सूचना पर से परिजनों और ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया। पुलिस ने मामले को संभालने का प्रयास किया, परंतु परिजन हंगामा करते रहे। उसके बाद कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी और एएसपी राजेश सिंह चंदेल गांव में पहुंचे, ग्रामीणों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जो बड़ोरा ग्राम में 6 साल की मासूम के साथ जो दरिंदगी की हत्या हुई है, उसके बारे में ये कल थाने पे सूचना देने के लिए आए थे, तो उसमें इनके परिजनों ने बताया गया था कि एक बड़ोरा गांव में एक भागवत चल रही है, तो वो बच्ची अपनी माँ के साथ में वहाँ भागवत में गई थी दोपहर में। उसके बाद 5 बजे के आसपास से उनको दिखी नहीं और वो सोचे शायद गांव में ही घर चली गई है, तो घर में जाके ढूंढा उसको। घर में ढूंढने पर नहीं पे आने पर वो 363 का केस रजिस्टर्ड किया था, क्योंकि उसकी उम्र 6 से 7 साल के बीच में है। और आज जब इसकी सर्चिंग चल रही थी तो ये एक सरसों के खेत में डेड बॉडी इसकी मिली है, तो उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और हम लोगों ने उसमें सारी टीम लगाई है, क्योंकि इसमें शंका है कि हो सकता है कि इस साथ में रेप को हुआ हो और शायद हत्या की है। तो ये एक गंभीर मामला है, जिसमें भी इसमें तत्काल इसमें 10,000 रुपये का इनाम अपराधियों की सूचना देने वाले और पकड़वाने वाले को दिया जाएगा। और इसमें हमने जिले की सबसे अच्छे लोगों की टीम लगाई और लगातार पूछताछ कर रहे हैं। उम्मीद है जल्दी इसका पता लगाएंगे।